कहते कि मेरी बीवी जो है वो हाफिज़ कुरान है और कुरान भी बहुत माशाल्लाह क़िराअत के साथ तिलावत करती है, क्या तहज्जुद में वो इमाम बन सकती है? नहीं जनाब, इमाम आप बनकर उसको पीछे रहने दो। एक दफ़ा इमाम बन गई ना फिर तुम्हें छुट्टी हो जाएगी, फिर उसको तो उसको और नमाज़ी मिल जाएंगे ना नमाज़ पढ़ाने के लिए। वही काम करो जो अल्लाह का हुक्म है, उसको तो उसकी तो आवाज़ पे पड़ता है, इसीलिए औरत अजान नहीं दे सकती, औरत इमाम नहीं बन सकती, औरत ऊंची आवाज़ से कुरान भी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उसकी आवाज़ गैर आदमी ना सुने उस पर पड़ता है। कहते जी कि हमारे नजरान में आया हूँ, वहाँ कंपनी की एक मस्जिद है, वहाँ तकरीबन माशाल्लाह 4000 पाकिस्तानी और इंडिया के लोग आबाद हैं, और लेकिन देखा है मैंने कि अक्सर लोग जो है नफलें बैठ के पढ़ते हैं, ये भी एक बड़ा मसला हो गया। हालांकि हुजूर की सही हदीस है कि अजरुल कायदे निस्ब अजरुल कायद, बैठ के नमाज पढ़ो तो आधा सवाब मिलेगा, खड़े होने पर अगर 100 दर्जा मिलना है तो 50 मिलेगा, इतने घाटे करने का फायदा। दूसरी बात ये है कि बाज़ बुजुर्गों ने ये फरमाया है कि जब हुजूर पाक का बदन मुबारक भारी हो गया, बुढ़ापा हो गया, और आप लंबी तहज्जुद पढ़ते थे, अब बैठ के भी आप नमाज पढ़ते थे, तो वो तो एक सबब था ना, ये तो नहीं कि हर आदमी बैठ के नमाज पढ़े, नमाज खड़े होके पढ़ने की कोशिश करें। हमारे यहाँ रिवाज है सारी नमाज खड़े होके पढ़ेंगे, वितर के बाद की 2 रकातें हो बैठ के पढ़ेंगे, रिवाज है बन गया है, लाख समझाओ उसने वही करना है जो पीर ने पढ़ाया है। एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, बच्चे भी उसको दे दिए कि अब उनके वालिद की जायदाद में उनका कोई हिस्सा नहीं देना चाहता, जहन्नम में जाएगा क़यामत में देगा, उसकी औलाद है हिस्सा है, बीवी को तलाक दे दी हो दे दी, लेकिन औलाद का औलाद को भी तलाक दी है तुमने, बेटे बेटी को भी कोई तलाक होती है, और दूसरी बीवी ने कहा होगा ना बस उसके बच्चे ने जान छुड़ा उसको कुछ नहीं देना है। यही वो औरतें हैं जो अपने खामन को जहन्नम में ले जाती हैं, उनका हक अदा करो और ज़िंदगी में अदा कर लो, मरने के बाद क्या करोगे। कहते जी कि क़यामत के दिन जो है 72 फिरके बनेंगे, हमें कैसे क़यामत के दिन नहीं बनेंगे, दुनिया में बनेंगे, क़यामत के दिन तो सारे कान पकड़ के खड़े होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फिरका हक पर है? उस हजूर ने बता दिया इल्लामा आना अलैहि व सहाबी, जो मेरे रास्ते पर और मेरे सहाबा के रास्ते पर है वो हक पे है, बाकी सब गलत है।